नमस्कार, एग्री मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। कल के सेशन में फिर से हमने एग्री मार्केट में एक बेतहाशा तेजी का रुख देखा। जिस ढंग से हमने पहले भी कहा था कि जिस ढंग से मंडियां सब बंद है, पोलिंग नहीं हो पा रही है और सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, जिसके चलते शॉर्टेजेस मार्केट में रहेगी और वो एक तेजी का रुख ला सकता है। कल के सेशन में हमने ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा सारी कमोडिटी में सर्किट लगते हुए देखे। खास करके कैस्टर में 4%, हल्दी में 4%, जीरे में 4%, धनिया में 4%, चने में 4%, कॉटन सीड ऑयल केक में 4%, गवार गम में 4%, गवार सीड में 3.25%, कपास में 2.25%, और हमने एडिबल ऑयल पैक में भी तेजी आते हुए देखी है। अभी भी मार्केट में कंसर्न्स बने हुए हैं। जिस ढंग से फिजिकल मार्केट बंद है, फ्यूचर मार्केट कैसे सेटल होंगे? एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, स्टैगर्ड पीरियड जल्दी लगने वाला है। कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि मार्केट को बंद करना चाहिए, कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि ये एक्सपायरी हो जाने दीजिए या मर जाए, तो ये सब रूमर्स भी मार्केट में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया में ऑलरेडी लॉकडाउन सिचुएशन है, तो सब इस चीज़ को ओबे कर रहे हैं और हमने देखा 21 दिन का लॉकडाउन है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली जो करोना वायरस की जो महामारी पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रही है, वो इंडिया उससे बच सकता है अगर हम 21 दिन का लॉकडाउन कंटिन्यू रखते हैं। तो अगर ट्रेड सेटअप की बात करें, आज हमें लगता है कि मार्केट में फंडामेंटल अभी जिस ढंग से दिखा रहे हैं, वो अगेंस्ट फंडामेंटल मार्केट में तेजी कायम रहेगी। बट हायर साइड पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है आज जिस ढंग से इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में गिरावट का रुख है। सोयाबीन काफ़ी शार्प रिकवरी दिखा चुका है। 3900 का लेवल अगर नहीं तोड़ता है तो प्राइजेस में फिर से 150-200 पॉइंट की गिरावट आज के सेशन में देखने मिल जाएगी। रिफाइंड सोया में भी आज 800 के नीचे अगर प्राइजेस होल्ड करता है तो 790 से 785 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। सीपीओ में भी आज हमें लगता है कि 380 का लेवल नहीं तोड़ता है तो 370 से 365 तक के लेवल। वहीं कॉटन में कल हमने फ्रेश सेलिंग देखी है, जो दबाव आज भी देखने मिल सकता है 16,200 के लेवल पे। जिस ढंग से मिले बंद है, कोई भी डिमांड नहीं है, मार्केट में और गिरावट देखने मिल सकती है। कार्डमम हमने 2,000 का लेवल तोड़ चुके हैं, एस ऑफ नाउ और खराबी है जो 1,600-1,650 तक का भी लेवल दिखा देंगे। कपास और कॉटन सीड ऑयल केक में हमने तेजी जरूर देखी, बट अपसाइड थोड़े से लिमिटेड रह सकते हैं। नो डाउट अराइवल्स बिल्कुल नहीं है, जिसके चलते ये तेजी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट ट्रेड नहीं हो रहे हैं। तो बी कॉशियस, जो भी ये तेजी है ये सस्टेनेबल तेजी नहीं है। प्लीज़ बी कॉशियस, अगर आपके पास कोई भी पोजिशन है तो हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, कभी भी मार्केट में फिर से फॉल आ सकता है। क्योंकि हमने देखा ये ट्रेड खाली एक सेंटिमेंट पे ट्रेड मूव कर रहा है कि 21 दिन का लॉकडाउन है, अराइवल्स नहीं है, जिसके चलते ये शॉर्ट कवरिंग्स है। तो हो सकता है कपास में आज दिन के सेशन में तेजी दिखे, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगी। सोया रिफाइन ऑलरेडी हमने बात कर ली है। मस्टर्ड की अगर बात करें, नो डाउट हमने भी देखा अराइवल्स नहीं हो रही, जिसकी वजह से मार्केट में एक शानदार रिकवरी देखी है, बट फिजिबल लेवल्स नहीं है। 4200 का लेवल अगर नहीं तोड़ता है तो फिर से हमें लगता है कि प्राइजेस 4100 का लेवल तोड़ के 4070-4080 तक का लेवल दिखा देंगे। कैस्टर में नो डाउट चाइना मार्केट ओपन हुआ है, जिसके चलते एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव दिखाया है। बट ध्यान रखिए, इंडियन मार्केट लॉकडाउन में है, कोई भी ट्रेड नहीं होंगे। हो सकता है आन फान में प्राइजेस 4070-4080 तक दिखा दे, बट ये सस्टेनेबल भाव नहीं है। 4100 का लेवल मार्केट तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर प्राइजेस ने 4020 का लेवल आज तोड़ता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग दिखने मिल सकता है। वहीं मसालों में भी नो डाउट हल्दी में काफ़ी अच्छी लग रही थी, जो हमने ऑलमोस्ट प्राइजेस को बाउंस करते हुए देखा है, बट 6,000 के ऊपर प्राइजेस नहीं जाएंगे। सेम वे जीरे की बात करें तो मार्केट में अराइवल्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से तेजी जरूर है, बट ये सस्टेनेबल तेजी नहीं है। आज के सेशन में हमें लगता है पूरे एग्री पैक में हायर साइड होने के बाद एक प्राइजेस में दबाव रह सकता है। खास करके चने की बात करें, नो डाउट हमने भी उम्मीद रखी थी कि चना 4200 तक का लेवल दिखा देगा, पर 4% का सर्किट लग के 4260 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया है। हो सकता है 50-60 रुपये की और तेजी दिखा दे, बट सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं रहेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक नो डाउट अभी भी अच्छा लगता है, 1840 के ऊपर हमें 2020 से लेकर 2080 तक का भी लेवल दिखा रहा है। बट अगर बाकी कमोडिटियों में गिरावट रहेगी तो कॉटन सीड ऑयल केक में भी हम एक गिरावट देख पाएंगे। तो ध्यान रखिए, ऊपर में 2040 और अगर 1920 का लेवल तोड़ता है तो फिर से हम 1880 का लेवल तोड़ते हुए 1820 तक का लेवल दिखा देंगे। गवार सीड गवार गम में आज क्रूड में जैसे गिरावट रहने की उम्मीद है, इसका नेगेटिव असर गवार सीड गवार गम में भी रहेगा। 3400 के नीचे प्राइस ट्रेड करने पे हम 3250 से 3320 तक का लेवल गवार सीड में, और गवार गम में 5,000 का लेवल अगर फेल हो जाता है आज, तो वापस 4750 का लेवल देख पाएंगे। धन्यवाद।